चलिए, कुछ प्रॉब्लम्स मैंने दी थी लास्ट क्लास में आप लोगों को, आज जो मैं आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा। ओके, आई होप आप लोगों ने किया भी होगा, ऐसी बात नहीं है। तो देख लेंगे क्या क्या थी प्रॉब्लम्स, कैसे उनको सॉर्ट आउट करना है। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन था वो था मेंबर्स ऑफ, पहला क्वेश्चन क्या था बेटा, मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीसीज विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग इज बेस्ट डिस्क्राइब एज। तो भाई सेम स्पीसीज है, ठीक है, सेम स्पीसीज है बोल रहा है, सेम स्पीसीज है, समझ लेते हैं आंसर। सेम स्पीसीज है तो ये कोई पॉपुलेशन है, ठीक है, इनमें सेम स्पीसीज है। तो अगर कम्युनिटी आप करोगे तो कम्युनिटी तो बहुत सारे जो है स्पीसीज हो जाएंगे, पूरे जो सब लोग रहते हैं उसको कम्युनिटी बोलते हैं। तो अगर कोई इंडिविजुअल आपस में इंटरब्रीड कर रहे हैं तो आप बोलोगे कि ये क्या है, स्पीसीज है, अकॉर्डिंग टू स्पीसिएशन, मेयर के अकॉर्डिंग। ये क्या था, इंटरब्रीडिंग करने वाले जो इंडिविजुअल होते हैं वो, उनको हम स्पीसीज बोलते हैं, सेम स्पीसीज होते हैं। और ये पूरा अगर आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका पॉपुलेशन हो जाएगा। इसका आंसर बेटा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, ये तो सिंपल था एकदम। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बोल रहा है, दूसरा वाला जो क्वेश्चन हमने किया है उसको देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ 16% ऑफ द पर्सन इन अ पॉपुलेशन, एक कोई पॉपुलेशन है उसमें 16% जो पर्संस हैं वो रिसेसिव ट्रेट को शो कर रहे हैं। रिसेसिव ट्रेट को बेटा हम कैसे दिखाते हैं, कुछ भी आप लिख लो, आर आर लिख लो या स्मॉल लेटर्स में दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं। हार्डी विनबर्ग लॉ में अगर आप रिसेसिव एलील्स की बात करोगे तो रिसेसिव एलील्स को हम कैसे दिखा रहे थे, किस लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे थे, है ना, वो देखना है। तो यहाँ पर जो आपका जो है रिसेसिव एलील्स था, जैसे क्यू हमारा था वो रिसेसिव एलील को शो कर रहा था, तो क्यू भी आप दिखा सकते हो ऐसे। ये वैरी कर सकता है क्वेश्चन, ठीक है, वो अपना है, कोई भी लेटर आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मान लिया ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, जो है एलील फ्रिक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो कह रहा है कि इफ 16% ऑफ द 16% ऑफ द पर्सन इन अ पॉपुलेशन शो द रेसेसिव ट्रेट, तो ये वाले कितने थे बेटा, 16% थे पूरी पॉपुलेशन। व्हाट इज द एलिलिक फ्रीक्वेंसी फॉर द डोमिनेंट एलील, और डोमिनेंट एलील को हम किससे दिखा रहे थे, पी से दिखा रहे थे, इससे दिखा रहे थे, तो इसकी एलिलिक फ्रीक्वेंसी को ये पूछ रहा है। अब भाई बात आती है, क्वेश्चन करोगे आप कैसे, है ना, कैसे करोगे क्वेश्चन, तो देखिए आप, अगर अगर हमारा, अब हम क्यू को ही लेके चलते हैं, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है बेटा, तो आप बोल रहे हो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0.16, ठीक है, कितना है 0.16। अरे भाई परसेंटेज है ये, अब इसको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा ना हमें, तो क्या होगा भाई, जो है इसको हम ऐसे लाएंगे अगर, तो 16/100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.16 आ जाएगा। ठीक है, अब क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया हमारा, 0.16 आ गया, और हमारा क्यू कितना आ जाएगा, क्यू इज इक्वल टू अब बोलोगे 0.4 आ गया, हो गया बस। अब हमको वही लगा देना फॉर्मूला, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, हमें क्यू का वैल्यू पता है, पी का वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे बेटा, पी इज इक्वल टू 1 - क्यू, तो कितना आ जाएगा पी हमारा, पी इज इक्वल टू जो हमारा कितना हो जाएगा, 1 - क्यू हमारा कितना है, 0.4, तो आंसर हमारा पी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0.6, कितना आ जाएगा 0.6। ठीक है, तो यहां पर ये तो आपका हो गया जो है सिंपल फॉर्म में। अब देखिए जो मैच हम करेंगे, अब यहाँ पर किस तरीके से मैच करेंगे, तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, किसके लिए पूछ रहा था, डोमिनेंट एलील के लिए पूछ रहा था, तो कितना आ जाएगा 0.6 आ जाएगा। इसमें ऑप्शन कोई ऐसा दिया है, नहीं दिया है, इसका ऑप्शंस जो है वो गलत है, ठीक है, ऑप्शन सही नहीं दिए।
ठीक है। अब दूसरा देखिए इसके बाद में, ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया सभी को? अरे भैया P प्लस क्यों अगर आप करोगे तो ये भी वन रहता है, ठीक है, ये भी कांस्टेंट ही रहेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। हाँ बोलो, हो गया क्लियर है सभी को? ऐसा कर लोगे, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे सर। तो इसका जो डोमिनेंट एलील उसका तो 60 होगा ना सर, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। हाँ लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दिया है ना उस तरीके से, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 60%, ठीक है ना? यस सर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, बोला फॉर पर्टिकुलर ह्यूमन पॉपुलेशन, है ना? क्या बोला? पर्टिकुलर ह्यूमन पॉपुलेशन। तो ये क्वेश्चन बेटा आपका जो है थोड़ा गड़बड़ लग रहा है मुझे, ठीक है, क्वेश्चन सही नहीं है। चलो आगे देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट वाला जो है आपका 4 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन अ फॉलोइंग पॉपुलेशन व्हाट विल बी द एलेलिक फ्रीक्वेंसी, माइक ऑफ कर लीजिए, व्हाट वुड बी द एलेलिक फ्रीक्वेंसी फॉर द डोमिनेंट एलील। डोमिनेंट एलील के बारे में पूछ रहा है, तो आपको पता है पी के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। फिर कह रहा है होमोजाइगस डोमिनेंट हेट्रो, होमोजाइगस रेसेसिव कितना है, होमोजाइगस रेसेसिव ऐसे लिख लेंगे, होमोजाइगस रेसेसिव। वो कितने इंडिविजुअल है उस पॉपुलेशन में, तो आप बोल रहे हो 20। फिर बोला है कि होमोजाइगस, होमोजाइगस कैसे डोमिनेंट, वो कितने हैं, तो बेटा वो आप बोल रहे हो होमोजाइगस डोमिनेंट हैं आपके 320। और फिर आप बोलोगे जो है आपके सर उसके पहले और एक क्वेश्चन था ना, वो बेटा वो सही नहीं है क्वेश्चन, कुछ गड़बड़ है वो क्वेश्चन, ठीक है। किया आप लोगों ने क्या सर? हुआ ही नहीं। हाँ नहीं होगा, वो गड़बड़ है, क्वेश्चन सही नहीं है। अब मैं कोई आंसर देख के थोड़े दिया था क्या है क्या नहीं, मैं तो क्वेश्चन रैंडमली मिल गया तो मैंने दे दिया था, बाद में भी देखा तो वो गड़बड़ है क्वेश्चन। चलो खैर, तो यहाँ पर क्या था बेटा, यहाँ पर आप देख रहे हो ये क्या है, होमोजाइगस कैसे हैं, होमोजाइगस डोमिनेंट कितने हैं, तो होमोजाइगस डोमिनेंट जो है वो कितने हैं 320। और फिर आता है आपका हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस वो कितने हैं 160। ये क्वेश्चन कितने लोगों ने किया है? ये क्वेश्चन कितने बच्चों ने किया है? बोलो भाई किसने किया है क्वेश्चन, क्या आंसर आ रहा है इसका? 80 आता है, चलिए वेरी गुड, फिर तो आपका सही आ रहा है। और किसी ने किया है? क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन सही नहीं है वो, ठीक है, आंसर नहीं आया। चलो मैं सिखा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझिएगा एक एक पॉइंट वाइज। सबसे पहले एक पॉपुलेशन लिया उसने, एक पॉपुलेशन है इसमें, और इसमें देखो क्या है, डोमिनेंट इंडिविजुअल है जिनको हम पी से दिखाते हैं, और दूसरा रेसेसिव है, और दूसरा 2PQ है, ये है, तो ये सब मिलके पूरा पॉपुलेशन बना रहे हैं। इसने बोला पी वाले जो इंडिविजुअल है उनकी एलेलिक फ्रीक्वेंसी बताना है, ठीक है, जबकि जो होमोजाइगस डोमिनेंट है, क्योंकि होमोजाइगस डोमिनेंट इसमें दिखाएंगे हम, तो ये 320 होंगे, ये आपके कितने हैं जो रेसेसिव हैं, ये 20 है होमोजाइगस, और ये कितने हैं, तो आप बोल रहे हो 160 है, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि जो आपका डोमिनेंट है उनकी एलील फ्रीक्वेंसी क्या है, यही फाइंड आउट करना है, ठीक है, एलील फ्रीक्वेंसी फॉर डोमिनेंट एलील, डोमिनेंट एलील की जो है आपका
एलेलिक फ्रीक्वेंसी को निकालना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप देखिए, सबसे पहले टोटल कर लेंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे इसमें इंडिविजुअल, 500 कितने हो जाएंगे, 500 इंडिविजुअल हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए कैसे निकालेंगे इसको। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं क्यू स्क्वायर को। तो आप बोलोगे 20 अपॉन क्यू स्क्वायर कितना है हमारा, 20 है कि नहीं है, ये पी स्क्वायर है। तो 20 यानी कि जो होमोजाइगस कैसे हैं, रिसेसिव हैं, वो कितने 20 कितने में से, 500 में से। ठीक है, तो ये एक जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/25। तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 0.04, कितना आ जाएगा 0.04। अब देखिए आप क्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, तो आप बोलोगे इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये कितने पहुंच जाएगा, 0. जो है आपका 2 ये आ जाएगा। ये एलेलिक फ्रीक्वेंसी आ गई हमारी किसकी, होमोजाइगस रेसेसिव की। ठीक है, अब होमोजाइगस रेसेसिव की आ गई हमारी बात बन गई। फिर से फॉर्मूला लगा देंगे हम, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 कॉन्स्टेंट। तो पी हमारा निकालना है हमको, तो क्या हो जाएगा पी इज इक्वल टू 1 - 2। P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 - कितना आ जाएगा 0.2। तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, P इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 0.8, कितना आ जाएगा 0.8 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब इसको अगर आप जो है मल्टीपल कर दोगे तो आपका ये कितना आ जाएगा, तो मल्टीपल कर देते हैं इसको, तो हमारा कितना आ जाएगा 80% आ जाएगा कि नहीं, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा 80% हो जाएगा। तो हमें पता चल गया कि जो है कितने जो है वहां पर डोमिनेंट जो आपका एलील फ्रीक्वेंसी जो डोमिनेंट एलील की वो कितने परसेंट है, तो वो 80% हो जाएगी। ठीक है, अगर परसेंटेज में नहीं दिया होगा तो ये दिया होगा 0.8%। क्लियर है सभी को, समझ में आ गई बात। एक बार मुझे नोटिफाई कर दीजिए आप लोग। यस सर, यस सर, चलिए वेरी गुड। अब कर लोगे ना ऐसे क्वेश्चंस। अब दूसरा देखिए, यस सर। अब 4 नंबर के बाद में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो था वो था कि 4% ऑफ अ पॉपुलेशन, 5वें नंबर का क्वेश्चन था ये, है ना। इफ 4% ऑफ अ पॉपुलेशन शोज, क्या शो कर रहा है बेटा, वो शो कर रहा है रेसेसिव ट्रेट। एक पॉपुलेशन है कोई, उसमें आप बोल रहे हो कि रेसेसिव ट्रेट, यानी कि रेसेसिव को हम किससे दिखा रहे थे, क्यों से, तो क्यों को ही ले लेते हैं। क्यों हमारा कितना था, तो आप बोल रहे क्यों हमारा कितना था 4%। ठीक है, क्यू स्क्वायर हमारा कितना था 4%। तो देखिए क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे इसको, 4 को भाई डिवाइड कर देंगे 100 से, तो आपका कितना आ जाएगा 0.04 आ जाएगा। फिर Q इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे 0.2 आ जाएगा। अब हम फार्मूला यहां पर, तो अब देखो अब हमें निकालना क्या है इसमें, करा व्हाट विल द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर इन द फॉलोइंग जनरेशन। अब कैरियर की फ्रीक्वेंसी निकालना है तो P प्लस Q से तो बिल्कुल नहीं निकलेगा, क्योंकि उसमें केवल डोमिनेंट और रिसेसिव निकल रहा है, हेटरोजाइगस तो है नहीं वहां पर। तो अब हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा कौन सा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ इज इक्वल टू 1। अब कर लेंगे आप आराम से, कैसे करेंगे देखिए। हमने लिया जो हमारा पी स्क्वायर है वो अब हमें निकालना पड़ेगा, तो क्यू हमारा देखो यहां पर समझिए इस बात को, क्यू हमारा कितना था 0.2, कितना है 0.2। तो यहां पर अब आप देखिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ इक्वल टू 1। अच्छा ठीक है, लिख दिया ये। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, देखिए पी स्क्वायर हमारा कितना है बेटा, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, अभी निकाला नहीं हमने, ठीक है, अभी हमने केवल क्या निकाला है क्यू स्क्वायर निकाला है, तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कितना है 0.06। ठीक है, अब भाई हमारे एक जो है, सॉरी सॉरी सॉरी, 0.04, हाँ 0.04 है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या कर लेंगे, जो है आपका 0.04
04, ठीक है, ये हो गया, क्लियर है। अब इसके बाद में हमारा यहां पर जो आ जाएगा ये आपका प्लस 2PQ = 1। अब हमें P निकालना है, P स्क्वायर निकालना है, तो P स्क्वायर भाई कैसे निकालेंगे, देखो हमें पता है P + Q = 1 होता है, तो P हमारा Q = कितना हो जाएगा, 1 माइनस जो है, सॉरी P = कितना हो जाएगा, 1 माइनस Q, तो कितना आ जाएगा बेटा P = तो आप बोलोगे यहां पर 0.1 माइनस हम निकाल देंगे, कितना आपका जो है 0.04, ठीक है। तो यहां पर P इक्वल टू हमारा 0.2, एक मिनट, हाँ ठीक है, यहां पर आपका क्या हो जाएगा, ये 0.2 हो जाएगा, 0.2, तो यहां पर P इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 0.8 आ जाएगा, ठीक है। अब वैल्यू हम रख देंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो देखते हैं क्या वैल्यू आएगी यहाँ पर। तो ये आपका हो गया 0.4, यहाँ पर रख लिया था हमने, अब इसको भी इनपुट कर देते हैं हम लोग, तो 0.64, या ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं, यहाँ पे हेटरोजाइगस का पूछ रहा है ना, तो हेटरोजाइगस के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 हमारा क्या है, 2AB होगा या 2PQ होगा, ठीक है, तो 2PQ हम निकाल लेंगे यहाँ पर, 2 × P की वैल्यू हमें मिली गई है, इसको हम क्यों करेंगे इतना ज्यादा लंबा नहीं करना है, तो 2 × P हमारा कितना है 0.8, × Q हमारा कितना है 0.2, तो कर लोगे आप इसको, तो हमारा कितना आ जाएगा, हेटरोजाइगस PQ कितना आ जाएगा 0.16 × 0.2, तो 0.32 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब आप इसको निकालोगे तो हेटरोजाइगस PQ कितना आ जाएगा आपका 0.32, है ना, और × 100 कर दोगे आप तो कितना आ जाएगा बेटा 32%, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 32%, समझ में आ गया कि नहीं? आपने सर, आपने हेटरोजाइगस क्यों होता है डायरेक्ट, क्या क्या सर, PQ सर, जो हेटरोजाइगस जो होता है सर वो 2PQ को पकड़ता है या डायरेक्टली PQ को? नहीं, 2PQ को पकड़ोगे ना, तो इसको देखो ना, 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा ना, वैल्यू ही तो रखोगे आप, ये हम निकाल रहे हैं, इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है, तो हमको पी पता है, क्यों पता है, तो मल्टीपल नहीं, तो ये निकालना पड़ेगा ना आपको, इसमें फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हो आप ना, तो ये साथ में लेना पड़ेगा आपको, कंसीडर करना पड़ेगा, खाली PQ थोड़ा लोगे आप सर, हेटरोजाइगस कंडीशन का तो सर PQ से दिखाते हैं ना। नहीं ठीक है, वो दिखाते हैं आपको, लेकिन हम एलिलिक फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं ना, तो ये साथ में ही लेके चलेंगे, 2 × 2PQ, इसी में आपको इनपुट करना है 2PQ, तो 2 × P का वैल्यू हम डाल देंगे 0.8, और फिर हम उसका वैल्यू डाल देंगे 0.2, तो हमारा टोटल आ जाएगा 0.32, और इसको हम मल्टीपल कर देंगे 100 में, अगर परसेंटाइल में लेना है तो आपका कितना हो जाएगा 32%, ठीक है, ये उसके बाद उसके ये लास्ट क्वेश्चन था ना, चलो यस सर, और क्वेश्चंस करने हैं सर, यस सर, चलो एक दो और मैं करवा देता हूँ, ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको, कह रहा है कि हाउ टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटरोजाइगस, ठीक है, हेटरोजाइगस मतलब आप कुछ भी ले सकते हो आप, ये क्या हो जाएगा आपका PQ हो जाएगा, इन अ रैंडम मेटिंग population, if the total frequency of the dominant phenotype is 0.19, ठीक है, करिए आप लोग बताइए।
करिए थोड़ा, 2-3 मिनट का टाइम मैं दे रहा हूँ आप लोगों को। थोड़ा टफ है क्वेश्चन ये। मैंने बोला हाउ टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटरोजाइगस पीक्यू इन अ रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन इफ द टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट फिनोटाइप इज 0.19। सर 30% होगा क्या? नहीं गलत है, 30% हेटरोजाइगस पूछ रहा है ना, 2p क्यों पूछ रहा है ये? ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, इसमें डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी फिनोटिपिक फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी? भाई जब आप पढ़ते हो जेनेटिक्स में, आप पढ़ चुके हो पूरा जेनेटिक्स, तो आप पढ़ते हो ये अगर है डोमिनेटेड तो ये अपना फिनोटाइप दिखाएगा, अगर ये है हेटरोजाइगस डोमिनेटेड तो ये वाला फिनोटाइप दिखाएगा, ये दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? तो इसमें केवल इसकी पॉपुलेशन की फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है ये 2PQ, ये हिंट मैंने दिया आपको। और कोई किया, और किसी ने सॉल्व किया इसको? चलो मैं करूं, अरे सबका 30.78 कहां से आ रहा भैया? सर p प्लस q इज इक्वल टू 1 से वहां से q का वैल्यू आया 0.8, ये अलग तरीके से आएगा। और चलो और किसी ने किया इसको? चलो ठीक है कोई बात नहीं, देखते हैं हम लोग, मैं करता हूँ सॉल्व। ठीक है, इसमें देखो हमको सबसे पहले निकालना होगा q स्क्वायर, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी स्क्वायर प्लस 2PQ। ये बात समझ में आई कि नहीं? स्टेप मैं स्किप किया हूं ऊपर लिख के, ये समझ में आया सभी को? Q square is equal to 1 minus P square plus 2PQ। आ गया सभी को समझ में? क्लियर है एकदम? तो Q square हम निकाल लेंगे, और फिर P square हमारा अगर होगा तो P square plus 2PQ है ना, क्योंकि हमको वही देखना है ना जो दिख रहा है, और ये इज इक्वल टू हमारा कितना है 0.19। ये बात किसको समझ में आई बताओ मुझे जरा, यही है कहानी बस। ये बात किसको समझ में नहीं आई? समझ में नहीं आया भैया? फिनोटाइप डोमिनेंट कौन होगा? एक तो ये डोमिनेंट है, ये अपने आप को एक्सप्रेशन को दिखाएगा, फिनोटाइप हम उसका ले रहे हैं केवल जो दिख रहा है हमें, तो जो दिखाई दे रहा है उसी का तो फ्रीक्वेंसी दिया है यहाँ पर 0.19, और फिनोटाइप दिखेगा किसका? जो डोमिनेंट होगा, डोमिनेंट कौन है? पी हमारा डोमिनेंट हम लेते हैं कि नहीं लेते हैं? और आप बोलोगे 2p क्यों? क्योंकि पी साथ में है, तो ये क्यों वाले को ये तो रिसेसिव एलील है, ये डोमिनेटेड है, तो इसके प्रेजेंस में ये तो अपनी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, एक्सप्रेस कौन करेगा? पी एक्सप्रेस करेगा, तो इसको ले लेंगे। तो पी ऐसे कितने प्लांट्स हैं या ऐसे कितने इंडिविजुअल्स हैं जो फिनोटिपिक डोमिनेंट शो कर रहे हैं, उनका फ्रीक्वेंसी कितना है? तो दोनों प्लांट को हम जोड़ देंगे और फ्रीक्वेंसी सामने लिख देंगे, तो पी स्क्वायर प्लस 2PQ। बोलो ये बात समझ में आई है? यस सर। क्लियर है सभी को भाई? एक एक स्टेप बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। कोई भी किसी को भी प्रॉब्लम हो तो बताओ यहां तक, नहीं है? आगे बढ़े, नहीं है ना? चलिए वेरी गुड। अब देखिए हमारा ये इक्वेशन है ना, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू वन
और ये बेटा देखो पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू, यहां पर ये वैल्यू रख देंगे कि नहीं, तो माइनस कितना आ जाएगा हमारा 0.19, तो क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा इज इक्वल टू 0.81। क्लियर है कि नहीं? अब क्यू निकाल लो आप, तो क्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा बताओ जरा, कितना आ जाएगा भाई? 0.9। हाँ 0.9, वेरी गुड, 0.9 आ गया है ना। तो अगर हम देखेंगे Q इज इक्वल टू हमारा 0.9 है, तो P के लिए कितना हो जाएगा हमारा, P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.9, तो कितना आ जाएगा 0.1 आ गया। बोलो अब 2PQ क्यों पूछ रहा है भाई, हेटरोजाइगस का ही तो फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, 2PQ क्यों निकाल लो आप, कितना आ जाएगा 2 × P कितना हो जाएगा, P निकाल लिया हमने कितना है 0.1 इंटू क्यों कितना है हमारा 0.9, कितना आ जाएगा आंसर भाई बताओ? सर समझ में आई बात? 18% सर, 0.18%। क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। पक्का? हाँ सर। डन एकदम? तो बहुत अच्छी बात है, सभी को समझ में आ गया? हाँ सर, मतलब जो भी क्वेश्चन में दिया जाएगा वो क्यू स्क्वायर या पी स्क्वायर में लेना होगा बेटा, जो भी फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं वो डिपेंड करता है ना कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहा है आपसे। सर क्वेश्चन में अगर टोटल फ्रीक्वेंसी नहीं रहता तो सिर्फ वो सर वही प्रॉब्लम हो रहा है सर, कब पी स्क्वायर या क्यू स्क्वायर सर या पी, वो आप प्रैक्टिस करोगे ना, जब प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की तो आपसे हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए ठीक है। क्वेश्चन से जब प्रैक्टिस करोगे आप तो सब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं होगा, थोड़ा क्वेश्चंस ढूंढो पूछे गए हैं, जो जेनेटिक्स में बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा आपको यहाँ से ठीक है, तो वहां से क्वेश्चंस करोगे आप तो आपका क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। जेनेटिक्स में पढ़ाया था ये टॉपिक की नहीं? चलो और क्वेश्चन करवा देते हैं, थोड़ा और प्रैक्टिस करवा देते हैं, कोई दिक्कत थोड़े, चलो एक और कर लूं प्रैक्टिस। चलो इस बार आप लोग करिएगा इसको ठीक है। कह रहा है कि इन अ रैंडम मेटिंग, इन अ रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ, ये आप लोग कर लोगे अब, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील्स इज 0.7 ठीक है। क्या किया हमने, एक रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन ले लिया हमने और फ्रीक्वेंसी जो है डोमिनेंट एलील की वो कितनी है 0.7 है। तो फिर पूछ रहा है व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस, ये आप लोगों से उम्मीद है पूरा करोगे आप लोग, डोमिनेंट फिनोटाइप। भाई जेनेटिक्स खत्म कर चुके हो, ये क्वेश्चन करना चाहिए आप लोगों को, समझ में आ गए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कह रहा है एक रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन है जिसमें डोमिनेंट एलील का फ्रीक्वेंसी 0.7 है, तो कह रहा है व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट का फिनोटिपिक फ्रीक्वेंसी बताना है आप। हो जाएगा? हाँ सर ट्राई करते हैं। हाँ ट्राई, 0.42 आ रहा है। कितना आ रहा है? 0.42 नहीं नहीं थोड़ा गड़बड़ कर रहे हो, ऑप्शन दे देता हूँ 0.49, 0.09, 0.3,
0.21 अभी करवाया हूं, ऐसा ही क्वेश्चन था कुछ। अरे पी दिया हुआ है, क्यों निकाल लो यार। फोर नाइन आ गया। यस सर। कैसे आया? कुछ नहीं करना है भाई, वही तो मैं देखो अब चीजों को पकड़ रहे हो तुम। वही मैं बोल रहा हूँ कि जो क्वेश्चन जिस तरीके से पूछता है उस तरीके से फॉर्मूला पुटअप करना पड़ता है, क्योंकि उस फॉर्मूला के कई सारे फॉर्म है। जो मैथ जिसको अच्छे से आता होगा समझता होगा इस बात को। तो यहाँ पर क्या है देखो, आपका पी दिया हुआ है, पी का फ्रीक्वेंसी दिया है 0.7। अब पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट। होमोजाइगस डोमिनेंट कौन होगा? ये होगा पीपी या पी स्क्वायर। भैया क्या करना है, 0.7 इंटू 0.7 कर दो, काम खत्म। तो 0.49 आंसर हो गया आपका। अभी भी भाई बताओ कितने लोग नहीं कर पा रहे हो, बिल्कुल ऊपर से जा रहा है जिसके बाउंस कर रहा है। चलो एक और क्वेश्चन करवाऊं। हाँ सर। बोलो अभी मन भरा नहीं सर, और एक। चलो एक और लो भाई। कह रहा है इफ अ होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप इज 46%, ठीक है, करा व्हाट इज द डोमिनेंट एलील फ्रीक्वेंसी। निकाल लोगे? नहीं निकल पाएगा? बोलो। सर रूट ओवर आ जाएगा ना? हाँ 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 करो, बिल्कुल आएगा सर। रूट ओवर 0.46। हाँ, पी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा आपका, 0.46 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है सर। तो अंडर रूट पी स्क्वायर कितना हो जाएगा तुम्हारा, अंडर रूट 0.46। तो मान के चलो आप नियर अबाउट इसको जब सॉल्व करोगे आप तो करीब करीब आएगा पी इक्वल टू 0.68। इसके आसपास आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? नहीं समझे? समझ गया सर। हाँ ठीक है, हो जाएगा ये भी आपसे क्वेश्चन। चलिए ठीक है, चलिए तो इस तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे, आप प्रैक्टिस और करिए और हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। नहीं होता है तो आप बिल्कुल पूछिए, ठीक है? क्लियर है? चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतने रखते हैं। ओके सर, थैंक यू।